नमस्कार, मैं मान्यनाथ पल FM24 द ग्रीन टीम से। आज हमने अपने FM24 स्टूडियो में करी मीटिंग मिसेस चित्रा, डायरेक्टर ऑफ FM24, मिस्टर सुनील योगी, मिस्टर हर्ष नागपाल, मिसेस तान्या नागपाल एंड पूरी ग्रीन टीम उपस्थित थी। उसके बाद हम द ग्रीन टीम के नवरत्न महिला पुलिस थाना गए, जहां हम SHO सीमा मैम से मिले। हमने कुछ अपील्स करी कि हमें साफ और हरा भरा भिवाड़ी चाहिए, एक पार्क खेलने और घूमने के लिए होना चाहिए, स्मोकिंग जोन्स होने चाहिए, स्कूल्स एंड सोसाइटीज में सेफ्टी पर सेशंस होने चाहिए। एंड सीमा मैम सेड शी विल सपोर्ट अस एंड इन पॉइंट्स पर उनकी टीम वर्क करेगी। FM24 एंड द ग्रीन टीम का मकसद है भिवाड़ी को साफ, हरा भरा और सुरक्षित शहर बनाना। सो ज्वाइन द फाइट एंड डू व्हाट इज राइट। हम लोग ने काफ़ी डस्टबिन लगाए हैं और लोगों ने आपके पूरे राजस्थान ने डस्टबिन लगाए हैं, लेकिन लोग फिर भी उसके बाद भी उसके साइड में कचरा फेंकते हैं। सिर्फ हमें लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करने से नहीं होगा, हमें उनकी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी कि आपको करना है, आपको सोचना है, अपने खुद से करना है। आप सिर्फ लोगों को ये नहीं बोल सकते करो करो, उनकी पूरी मेंटालिटी, उनकी पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। तो हमारा यही मिशन है। मैम, हम लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करने के, अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे हम, अलग अलग जगह जाएंगे, लोगों को बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी छोटी छोटी गलती की वजह से, और उनका छोटा छोटा काम कैसे पूरी भिवाड़ी को बदल सकता है, हम लोगों को ये बताना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, एक अपील से जो हम करना चाहते हैं। फर्स्ट, जैसे हम लोग ने ये सब सफ़र किया होगा कि हम लोग जब रात को 7 या 8 o'clock के बाद बाहर फैमिली के साथ निकलते हैं, तो कई बार हम लोग देखते हैं, फील करते हैं कि स्मोकिंग्स हो रही होती है, लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं ऑन रोड्स। तो थोड़ा सा वहाँ टाइट सिक्योरिटी हो जाए, सो हम लोग फैमिली के साथ थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे, हम लोग थोड़ा सा जाने में थोड़ा सा कम्फर्टेबल और होगा। सो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी हो जाए उस पर। तो हर जगह जैसे आप लोग जहाँ फैमिलीज रहती हैं, जहाँ सोसाइटीज रहती हैं, तो वो इलाका आप हमको बता दीजिए कि उस इलाके में हमको ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो हम बढ़वा देंगे। उसी की आप हम जैसे हम लोग की जो सिक्योरिटी करते हो, हमारी जो सेफ्टी रखते हो, वो कैसे करते हो, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। गाड़ी होती है और वो 24 आवर्स इलाके में घूमती रहती है, और एक हमारा कंट्रोल रूम होता है, जैसे कहीं पे कोई घटना घट जाती है तो वो 100 नंबर होता है। 100 नंबर पर जैसे आप लोग भी फ़ोन कर सकते हो, कहीं कोई बात हो जाती है आपके साथ ना होकर के, आप किसी घटना को होते हुए देख रहे हैं, किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, तो आप 100 नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। तो पुलिस की गाड़ी आपके पास में दूरी के हिसाब से, अब जैसे भिवाड़ी की कोई घटना है तो पुलिस आपके पास 5 मिनट में, 6 मिनट में, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी, है ना। और इसके लिए हमारी बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमारी मोटरसाइकिल भी है, पावर बाइक भी है, जो गश्त करती हैं 24 आवर्स, और स्पेशली नाइट में तो हम लोग बहुत गश्त करते हैं, और मैं आज नाइट को मैं खुद गश्त करके आई हूँ। ना चाहेंगे, जैसे हम लोग अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, उन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि मैम अगर गार्ड्स हैं, वो मैम उन पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी जाती, तो कोई भी बाहर से आके उन्हें लाइक मैम बोल देता है कि वो मैम वो फिर हमारी सोसाइटी में एंटर कर जाते हैं, जो आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स होते हैं। और फिर अगर बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो रखे हैं कि उन्हें उठा ले जाते, किडनैप हो जाता है, ऐसे मैम बहुत इनसिक्योर टाइप मैम हो रखा है। जिन मैम आशना आंगन, यस मैम, पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर जाने के लिए रोकते हैं, या नाइट टाइम में वो सेफ नहीं समझते बाहर जाने के लिए। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, उनके बाहर बहुत सारी काउज एंड बफेलोज घूम रही होती हैं, तो मैम जब भी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो वो सामने आकर बहुत बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उन्हें भी लगती है और हमें भी लगती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग जैसे किसी गौशाला से कॉन्टैक्ट करके उन्हें वहाँ भिजवा दें, तो यहाँ एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे सोसाइटीज़ के बाहर। से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जो पार्टी प्लेसेस है, मॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स, उनके सामने ना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे अगर एक दो कॉन्स्टेबल्स हो तो थोड़े सा रिस्ट्रिक्शंस हो जाए वहाँ पे, क्योंकि जो आजकल के टीन्स हैं उनको पार्टीज़ बहुत पसंद है अब,
तो वो पार्टीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो कभी कभी जो गर्ल्स होती हैं उनके साथ छेड़खानी भी करते हैं बहुत सारे लड़के जो बदमाश होते हैं, तो उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, कॉन्स्टेबल्स हो वहाँ पे, तो वो अरेंज किए जाए। हाँ, उन सब के सामने रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब 6 o'clock के बाद ही ऑलमोस्ट जाते हैं, तो सारे वहाँ पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, तो उसी में कुछ बोल भी नहीं सकते आप भीड़ में तो ज़्यादा लोगों को, तो वहाँ पे अगर पे ही जो रेस्टोरेंट्स के तो आज ग्रीन टीम FM 24 की ग्रीन टीम आपसे मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप किस तरह से उनकी मदद करेंगे? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा FM की जो ग्रीन एंड क्लीन टीम मुझे मिली है, उनके विचारों को देख करके, उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे एज में बहुत कम हैं लेकिन बहुत मेंटली बहुत सॉलिड हैं और अवेयर हैं वो इन चीज़ों के प्रति कि भिवाड़ी एक बहुत ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको क्लीन को लेकर के कि यहाँ सफाई होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग जोन होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बच्चों ने मेरे सामने रखी हैं और मैंने वो सारे बिंदु नोट डाउन भी किए हैं और हम उन पर काम भी करेंगे और आगे भी जब भी हमारा कन्वर्सेशन ये सारा आगे जारी रहेगा, बच्चे जो जो पॉइंट हमारे सामने लाते रहेंगे हम उन पर काम करते रहेंगे। हाँ, बच्चों ने ये बताया कि लोग जहाँ तहाँ कचरा फैला देते हैं, इनके लिए हम डस्टबिन तो रखवाते ही हैं लेकिन इनको मेंटली अवेयर कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारा विचार है कि हम स्कूल कैंपेन में जा कर के बच्चों को स्कूलिंग टाइम से ही अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए ताकि वो सारी गुड हैबिट्स उनमें स्कूल टाइम से पड़ जाए। बाकी दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे मॉल हैं, मॉल के सामने बहुत सारे लोग बच्चे बता रहे हैं कि स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के लिए कोई अलग से स्मोकिंग जोन होना चाहिए, तो इसमें भी हम विचार करके देखेंगे कि इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। और बच्चों ने ये भी बताया है कि हमारे स्कूलों में एक बार सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम भी होना चाहिए, तो वो भी हम स्कूल में जाके करेंगे। थैंक यू सो मच।